हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ऋषभ्स कुक बुक में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी बन रहा है, कुंदरी साउथ इंडियन स्टाइल। बहुत पसंद आएगा आपको, ध्यान से देखिए और ज़रूर ट्राई करिए। इसके लिए हम एक बड़े चम्मच मूंगफली ले लेंगे, एक बड़ा चम्मच चना दाल ले लेंगे, एक बड़ा चम्मच उड़द दाल ले लेंगे, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया लेंगे और एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे। इन सभी को ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले हम चना दाल और उड़द रोस्ट कर लेंगे। धीमे आंच में इसको पकाइए, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। थोड़ा सा कलर चेंज होते ही आप इसको साइड में रख दीजिए और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा, एकदम समझिए आधा चम्मच तेल डाल के इसमें हम मूंगफली सेक देंगे। और जैसे ही मूंगफली थोड़ा सिक जाएगा, हम इसमें तिल और साबुत धनिया डाल के सेक लेंगे। और ये सब चीज़ सिकने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब सेम कढ़ाई में हमें कुंदरी पकाना है। कुंदरी के लिए हम 1 से 2 चम्मच तेल ले लेंगे और इसमें हम ऐसे लंबे काट के कुंदरी डाल देंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 1/2 kg कुंदरी है। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, मंदे आंच में इसको पकाना है। आप चाहें तो थोड़ा नमक डाल के भी पका सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में कर दिया हूँ इसको, और हमारा जो रोस्ट कर रहे थे मसाले वो ठंडा हो गया है। अब उसको हम पीस लेंगे और पीसते टाइम ही इसमें हम थोड़े मसाले डाल लेंगे। जैसे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और आपके स्वाद के अनुसार आपको स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्ची डालिए। मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची डाला हूँ, हल्दी डाला हूँ और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि साबुत धनिया है इसमें। और 8 से 10 कली लहसुन के डालेंगे और आपके स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। ये देखिए, आप इसको दरदरा ही पीसिए, एकदम फाइन पेस्ट मत करिएगा। और अपना कुंदरी भी पक के रेडी है। अब इसमें हम ये पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया हूँ क्योंकि अंदाज़ा देखना पड़ता है कितना पाउडर लगेगा। थोड़ा और पाउडर लगेगा अभी इसमें। पाउडर डाल के आपको बस 2 मिनट चलाना है इसको। और बिलीव करिए, ये रेसिपी ट्राई करिए, आपको इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि पूछिए मत। देखिए, बस थोड़ा इसको मिक्स करने से रेडी हो जाता है। आप इसको सर्व करिए, गर्मा गर्म खाइए। आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।